हम अभी जिस स्पीड से जा रहे हैं उस स्पीड से गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन स्पीड और सेफ्टी में हमें किसी एक के साथ कॉम्प्रोमाइज जरूर करना ही होगा, लेकिन दोनों तरफ से खतरा ह्यूमन लाइफ को ही है। जैसा हम सभी जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे स्टेट्स एंड बिजनेसेस को स्लोली ओपन करने की परमिशन दे दी है, एंड इसके बाद इंडिया में जो केसेस ड्रेस्टिकली बढ़े हैं मानो वो सिलसिला रुकने ही नहीं वाला है। एंड रुकेगा भी कैसे, क्योंकि ट्रांसमिशन का रेट तो अब और बढ़ेगा जैसे जैसे लोग पब्लिक प्लेसेस में ओपनली निकलना शुरू करेंगे। थोड़ी रिलैक्सेशन मिलते ही ये देखिए मुंबई के मरीन ड्राइव के एक सुबह की फोटो जहां हजारों लोग मॉर्निंग वॉक करने आ गए। अब ऐसे टाइम पे जब इतनी ज्यादा भीड़ हो तब हम सोशल डिस्टेंसिंग का एक्सपेक्टेशन तो नहीं ही कर सकते हैं लोगों से। तो जब ये केसेस ड्रेस्टिकली बढ़ रहे हैं और डेली नंबर ऑफ केसेस का रिकॉर्ड टूटते जा रहा है, हम आज भी सिर्फ रैंडम मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट है कोरोना पेशेंट्स को ठीक करने के लिए। जैसे अगर कोई पेशेंट में सर्दी और खांसी के ज्यादा सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उसे सर्दी खांसी की दवाइयां देकर ही ठीक किया जा रहा है। तो अब सभी को एक वैक्सीन का ही इंतजार है कि कब हम इस कोरोना वायरस से पूरी तरह से छुटकारा पाएंगे। लेकिन किसी भी बीमारी का वैक्सीन बनाना कोई मैगी बनाने जितना आसान काम तो नहीं कि सोचा और हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको एक वैक्सीन बनाने की फर्स्ट से लेके लास्ट तक की पूरी स्टेप्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और कैसे इसमें भी वर्ल्ड के पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोग अपना पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे एक आम आदमी फिर से इस पूरे ट्रैप में फंस जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं। मैंने इसके पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था कि 2011 में एक ऐसी मूवी बनी थी कंटेजियन नाम की, जिसमें कोरोना समान एक वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है। ये सीन्स उसी कंटेजियन मूवी के हैं। एंड ताजुब की बात यह है कि जो कुछ भी उस मूवी में दिखाया गया था आज के टाइम में भी एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। तो अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो आप इसे जाके अमेज़न प्राइम वीडियो पे देख सकते हैं और मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा इस मूवी को देखने के लिए। उस मूवी में करीब 2.5 करोड़ लोग उस वायरस से मर जाते हैं। मूवी दिखाती है कि कैसे साइंटिस्ट लोग उलझे हुए होते हैं एक वैक्सीन को प्रोड्यूस करने के लिए, एंड अराउंड 133 डेज यानी करीब 4.5 महीने बाद वो एक वैक्सीन को प्रोड्यूस कर पाते हैं। पर मूवी के बाहर रियल वर्ल्ड में आज करीब 160 दिन बाद भी हमें कोई वैक्सीन नहीं मिली है। मॉडर्न हिस्ट्री में शायद पहली बार कोई वैक्सीन के लिए इतना डेस्परेट सर्च हो रहा है। आज के टाइम में करीब 100 से भी ज्यादा वैक्सीन को टेस्ट किया जा रहा है लेकिन किसी को भी अभी तक सक्सेस नहीं मिली है, एंड शायद इतनी आसानी से मिलने भी नहीं वाली। तो आइए समझते हैं इस वैक्सीन बनाने के पूरे प्रोसेस को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। आज तक के डेटा के हिसाब से वैक्सीन को बनने में ऑन एन एवरेज करीब 10 से 15 साल का समय लगता है, वो भी तब जब डेवलपमेंटल प्रोसेस सही डायरेक्शन में जा रही हो। HIV का वैक्सीन पिछले 40 साल से बनाया जा रहा है लेकिन साइंटिस्ट को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। वहीं दुनिया का सबसे फास्टेस्ट वैक्सीन 5 साल में बनाया गया था। वैसे ही आज कोरोना की वैक्सीन ढूंढने के लिए करीब 113 डिफरेंट कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस लगी हुई है, लेकिन इसमें से 95% लोग सारे पैरामीटर्स एंड टेस्ट को क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। वैक्सीन डेवलपमेंट का सबसे पहला स्टेज होता है रिसर्च स्टेज। इस स्टेज में साइंटिस्ट उस वायरस या ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक सीक्वेंस को फाइंड करते हैं जिसकी अगेंस्ट ये वैक्सीन बनानी होती है। इसी स्टेज में साइंटिस्ट सारे अप्रूवल्स एंड फंडिंग सिक्योर करते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि वैक्सीन डेवलपमेंट का प्रोसेस एक बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, तो इसके लिए हैवी फंडिंग्स होनी ही चाहिए। यूजुअली इस स्टेज 1 के प्रोसेस को अराउंड 1 से 1.5 साल लगते हैं, लेकिन अभी ये नॉर्मल टाइम्स नहीं है इसलिए इस प्रोसेस को बहुत फास्ट कर दिया गया है। चाइना में साइंटिस्ट ने नोवेल कोरोना वायरस के जेनेटिक सिक्वेंस को 12 जनवरी को ही फर्स्ट टाइम रिलीज कर दिया था, इस पेंडेमिक के स्प्रेड होने के 1 हफ्ते के अंदर ही, ताकि पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट इस डेटा को यूज करके इस पे वर्क एंड रिसर्च कर सके। इस बार साइंटिस्ट को मदद पिछले रिसर्च से भी मिली जो सार्स और मर्स के टाइम पे की गई थी। सार्स के पीछे का वायरस और जो कि कोविड-19 के पीछे का वायरस है, दोनों में 80% सिमिलैरिटी है, इसलिए जो काम को 1 से 1.5 साल लगते हैं इस बार ये काम कुछ हफ्ते और महीनों में ही पूरा कर दिया गया। अब सेकेंड स्टेज होती है ट्रायल स्टेज, जो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड की जाती है।
तो इस सेकेंड स्टेज के प्रोसेस को करीब 4 से 5 साल का वक्त लगता है, लेकिन इस बार हमें कुछ महीनों में ही करना होगा। तो पहले पार्ट यानी 2.1 में साइंटिस्ट वैक्सीन को एनिमल्स के ऊपर टेस्ट करते हैं, एंड अगर सक्सेसफुल हुए देन स्मॉल स्केल ह्यूमन ट्रायल किया जाता है। इस ह्यूमन ट्रायल के टाइम में ये देखा जाता है कि वैक्सीन ह्यूमन बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती है या नहीं। इस वक्त जिस बात पे सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है वो ये कि इसका लॉन्ग टर्म पे बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी वैक्सीन देने के 2 से 3 महीने बाद तो कहीं ऐसा नहीं कि ज्यादा बड़ी बीमारी आ जा रही हो। एंड इसके बाद लास्ट फेज में लार्ज स्केल ह्यूमन ट्रायल किया जाता है जहाँ हजारों लोग शामिल होते हैं। इसमें साइंटिस्ट करीब 15 से 20 हजार लोग को सिलेक्ट करते हैं एंड उनको 2 ग्रुप में बांट दिया जाता है। उसके बाद फर्स्ट ग्रुप को वैक्सीन दी जाती है एंड सेकेंड ग्रुप को कोई वैक्सीन नहीं दी जाती। एंड इसके बाद इनमें ऑब्जर्वेशन होता है कि क्या इनमें इन्फेक्शन का सेम रेट है या डिफरेंट है, क्या सभी एज ग्रुप यानी बच्चे बूढ़े और मिडल एज पे इस वैक्सीन का सेम असर है या डिफरेंट, क्या इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट है, अगर है तो कितने परसेंट लोग में साइड इफेक्ट ऑब्जर्व किया गया है। ऐसे कई सारे पैरामीटर्स पे टेस्ट किया जाता है एक वैक्सीन को, उसके बाद एक वैक्सीन को फाइनल अप्रूवल मिलती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो साइंटिस्ट के सामने होता है वो ये कि इस वैक्सीन से डेवलप होने वाली इम्यूनिटी क्या लाइफ टाइम के लिए रहेगी जैसे स्मॉल पॉक्स और पोलियो के केस में होता है, या फिर 2 या 3 साल में खत्म हो जाएगी जैसे अदर कोरोना वायरस के केसेस में होता है। अगर ये 2-3 साल में खत्म होने वाली इम्यूनिटी है तो हमें सभी को हर 2-3 साल में फिर से वैक्सीन देना होगा, इसलिए इस फेज को टेस्ट करने के लिए हमको 2 से 3 साल का वेट करना होता है, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो अगर कोई वैक्सीन इन सारे तीनों पार्ट्स को सक्सेसफुली पार कर जाती है तब हमें मिलेगी COVID-19 की एक वैक्सीन, लेकिन प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद जो कंट्री इसे बनाएगी वहां पे इसकी लाइसेंसिंग होगी एंड सारे वर्ल्ड को इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेज में हमें इसे मैन्युफैक्चर करना होगा, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस के साथ होता है क्योंकि इसे कोई भी नॉर्मल वैक्सीन की फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए पूरी एक नई स्पेशलाइज फैक्ट्री बनानी होगी जहां पूरे इक्विपमेंट स्पेशलाइज रहेंगे। तो ऐसे नई फैक्ट्रीज बनाने में करीब 5 साल तक का वक्त लग सकता है, पर इस बार दुनिया के अमीर लोग इस टाइम को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स ने बताया है कि अभी से 7 ऐसे डिफरेंट फैक्ट्रीज को बिल्ड किया जा रहा है जहां पे 7 डिफरेंट वैक्सीन मैन्युफैक्चर की जा सकती है। तो अगर इनमें से एक भी वैक्सीन सक्सेसफुली टेस्ट पास कर जाती है तो उसका इमीडिएट प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन हमें इसको इतने लार्ज स्केल पे करना होगा जितना हमने हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं किया है। इसके बाद हम इसके लास्ट स्टेज में आते हैं जहां इस वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें सिर्फ ट्रक्स एंड व्हीकल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि सिरिंजेस, कॉटन और बैंडेजेस की भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमारे गवर्नमेंट को अभी से ही इन सब चीजों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देनी चाहिए एंड इसके डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान भी बनाना चाहिए ताकि जब वैक्सीन आ जाए उसके बाद हमें इन सब चीजों का लोड ना लेना पड़े। इस डिस्ट्रीब्यूशन को शुरू करने से पहले हमारे गवर्नमेंट को एक और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के बारे में सोचना होगा कि मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने के बाद हमारी सरकार के पास 1 लाख वैक्सीन हैं, तो किन 1 लाख लोगों को ये वैक्सीन सबसे पहले दी जाएगी, बच्चों को, बुजुर्गों को, अमीरों को या फिर सबसे पहले मोदी जी को, अरे आई मीन पॉलिटिशियंस को। अगर हम कंटेजियन मूवी की बात करें तो मूवी में एक लॉटरी से डेट्स निकाला जाता है और लॉटरी में जो डेट निकलता है उस डेट को जितने भी लोग पैदा हुए हैं उन सभी को वैक्सीन दी जाती है। तो हमारे गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशन के साथ सामने आना होगा, लेकिन ऐसा जो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी किया जा सके, वो मूवी थी, ये रियल वर्ल्ड है। इसके बाद इंडिया में एक प्रॉब्लम ये भी आ सकती है कि क्या उस स्टेट के लोगों को वैक्सीन पहले दिया जाएगा जहां पे वैक्सीन मैन्युफैक्चर हुआ है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इस प्रोसेस को सेंट्रलाइज करने की कोशिश करेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमीर लोग जिनके पास ज्यादा पैसा है वही इसका फायदा उठा सके और गरीब बेचारा फिर से बीच में ही फंस जाएगा। ऐसे कई सवाल मन में आते हैं क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन करीब 130 करोड़ है, यानी अगर रोज 1 लाख वैक्सीन मैन्युफैक्चर की जाए और 1 लाख लोगों को वैक्सीन दी जाए तब भी सारे लोगों को वैक्सीन देने में करीब 37 साल लग जाएंगे। इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमें इस पूरे प्रोसेस को कितना ज्यादा फास्ट करना होगा। हम अभी जिस स्पीड से जा रहे हैं उस स्पीड से गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं,
लेकिन स्पीड और सेफ्टी में हमें किसी एक के साथ कॉम्प्रोमाइज जरूर करना ही होगा, लेकिन दोनों तरफ से खतरा ह्यूमन लाइफ को ही है। एक साइंटिस्ट ने तो ये भी कहा कि अगर हम कन्वेंशनल तरीके से जाएंगे तो इस वैक्सीन को भी बनने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए कई सारे कंपनीज ऐसे लेवल पे इनोवेशन कर रहे हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री में इन सब मैटर्स में कभी नहीं हुआ है। जैसे वैक्सार्ट एक ओरल वैक्सीन को डेवलप करने की कोशिश कर रही है, वैसे एक जर्मन बेस्ड कंपनी क्योरवैक एक लो डोजेज कोरोना की वैक्सीन को प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है जिसको बहुत ही आसानी से मैन्युफैक्चर किया जा सके। लेकिन इसके पहले हिस्ट्री में जब भी ऐसा हुआ है तो इसका असर ह्यूमन लाइफ पे ही दिखा है। फॉर एग्जाम्पल 1950 में पोलियो की एक वैक्सीन डेवलप की गई थी जिसको कुछ ही घंटे में अप्रूव कर दिया गया। उसके बाद जब इस वैक्सीन को पेशेंट्स को दिया गया तो इसका उल्टा इफेक्ट हो गया और जिन पेशेंट्स को पोलियो नहीं था उनको भी पोलियो हो गया। ऐसा ही अभी रिसेंटली 2015 में भी हुआ था जब एक फ्रेंच कंपनी ने डेंगू का वैक्सीन इंट्रोड्यूस की। एक्सपर्ट्स का भी मानना था कि इस वैक्सीन को अच्छे से टेस्ट नहीं किया गया था। जब इस वैक्सीन को पेशेंट्स को दिया गया तो इसका साइड इफेक्ट होने लगा एंड पेशेंट्स की हालत और ज्यादा खराब होने लगी एंड इससे 11 लोगों की मौत भी हुई थी। तो इससे आप भी समझ गए होंगे कि स्पीड एंड सेफ्टी के साथ खेलना यानी कि ह्यूमन लाइफ के साथ ही खेलना हो जाएगा। इसके बावजूद भी कि कई सारे गवर्नमेंट्स, साइंटिस्ट एंड फार्मा कंपनीज इस वैक्सीन के पीछे लगी हुई है, एस्टिमेट्स के हिसाब से इस वैक्सीन को बनने में कम से कम 12 से 18 महीने का वक्त तो लगना ही है। तो अगर हम इसे जबरदस्ती ज्यादा स्पीड से करते हैं तो इसका खतरा सीधा ह्यूमन लाइफ को ही होगा। इसलिए आपको अभी से डिसाइड कर लेना है कि अगले एक साल आप बहुत ही पेशेंस रख के चलेंगे। आपकी बहुत सारी प्लान चीजें आपके मुताबिक नहीं होगी, लेकिन हाइपर होने से भी कुछ नहीं मिलने वाला है। रिसेंटली एक अमेरिकन कंपनी मॉडर्ना ने अनाउंस किया कि उनके फेज 1 के ट्रायल सक्सेसफुल रहे हैं, जहां वो लोगों ने 8 ह्यूमंस के ऊपर रिसर्च की थी और अब वो लोग फेज 2 के ट्रायल्स की तरफ जा रहे हैं। तो बेस्ट के सिनेरियो में अगर ये फेज 2 एंड फेज 3 ट्रायल्स भी सक्सेसफुल हो जाती है तो इस ईयर एंड तक हमें एक वैक्सीन मिल सकती है। एंड फॉर्चुनेटली वैक्सीन के मामले में इंडिया एक बहुत ही ज्यादा अच्छे पोजिशन में है, क्योंकि दुनिया की 70-80% वैक्सीन इंडिया में ही मैन्युफैक्चर की जाती है। सेरम इंस्टीट्यूट जो कि एक इंडियन कंपनी है, दुनिया की लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। उन्होंने 4 ऐसे कंपनी के साथ टाइप किया है इस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने के लिए, और यहाँ तक कि सेरम इंस्टीट्यूट के सीईओ ने यह भी कहा है कि वैक्सीन बनने के बाद सबसे पहले इंडियंस को ही दी जाएगी, लेकिन अब ये तो हमें वक्त ही बताएगा। मेरे ओपिनियन में इस डिसीज का सामना करने के लिए हमें 2 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, पहला लक एंड दूसरा कोऑपरेशन। लक तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन दूसरा हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके सिटी या स्टेट में रिलैक्सेशन मिल भी गई हो तब भी आप घर से फालतू बाहर ना निकले, अनलेस इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अब तो मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मंदिर भी ओपन हो रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप आग बंद करके ओपनली हर जगह घूमें। एंड आप खुद से एटलीस्ट सारे प्रिकॉशंस लीजिएगा, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सामने वाला क्या प्रिकॉशंस ले रहा है या नहीं ले रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि रियल लाइफ में 2.5 करोड़ लोग ना मरे जैसा कि कंटेजियन मूवी में हुआ था, तो मैं आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज के पूरे ऑर्डर्स को अच्छे से फॉलो करें। सो आई होप आपको ये वैक्सीन की पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ आ गई होगी। इस वीडियो को अपने हर उन फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर करिए जो ये सोचते हैं कि अगले कुछ महीनों में लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाएगी। आप प्लीज उनकी गलतफहमियां दूर करिए एंड उनको अवेयर करिए कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड अगले 1.5-2 साल तक भी नॉर्मल नहीं होने वाला है, तो आप सारे प्रिकॉशंस अच्छे से लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए एंड कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के लिए आपका ओपिनियन बताइए एंड आप क्या प्लान कर रहे हैं अगले 1 साल में करने के लिए। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कि आप सारे प्रिकॉशंस लीजिए और अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। जय हिंद, नमस्कार।